हेलो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो री एग्ज़ाम जो आपका 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और वो कैंसिल हो गया है और उसका अब 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते कि सर एग्ज़ाम कब होगा और किस आधार पे कितने नंबर को मैं टारगेट करूं और किस तरीके से तैयारी करूं, तो उस सारे टॉपिकों पे बात करेंगे। बिल्कुल आपको निसंदेह किसी प्रकार का अगर कोई मन में क्वेश्चन उठता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता दूं, और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट के बारे में, मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूं आपको कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, और ये जो आप टारगेट की बात कर रहे हैं कितने नंबर में टारगेट करूँ, किस तरीके से मैं तैयारी करूँ, कैसे नंबर में अचीव करूँ पाऊँगा, इतने देखो ये काफ़ी बच्चे काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले भी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन मैं आप बता रहा हूँ आपको, कंपटीशन यहाँ पे आप वैकेंसी की बात कर लेंगे तो आपकी 1935 या 35 के अप्रॉक्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 समथिंग वैकेंसियाँ लगभग हैं, तो यहाँ पे जब वैकेंसी आपकी 2000 हैं और आपको पता है इसे फार्म कितना पड़ा था, 14 लाख फार्म पड़ा था, कितना 14 लाख फार्म पड़ा था, और उसमें से जो पहले पेपर दिए थे लगभग 9 लाख लोगों ने पेपर दिए, कितने 9 लाख लोगों ने पेपर दिया था। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ लोग सेलेक्ट भी हो गए, हम मान लिए 4 लाख लोग नहीं देंगे पेपर, उसमें से कुछ सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए 5 लाख लोग तो पेपर देंगे ही, क्लियर 5 लाख लोग आपके पेपर विद्यार्थी देंगे ही। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5 लाख में आपका कंपटीशन है 2000 का। ठीक है, यानी कि 1965 है तो आपको अप्रॉक्स में लगा लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 लाख, लेकिन 5 लाख में वो बच्चे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट नहीं हुए हैं या किसी का प्री निकला है तो मेंस नहीं निकल पाया है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है। तो ये कंपटीशन कहीं ना कहीं एक सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि जो बच्चे जिन बच्चों का जैसे ये पेपर किस लिए कैंसिल हुआ है, पेपर कैंसिल हुआ धांधली के अप्रॉक्स में कि धांधली हुई थी इसीलिए पेपर कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी इन्होंने पास किया था एग्ज़ाम, जो बच्चे अच्छे से मेहनत करके कहीं ना कहीं सिलेक्ट या आपका सिलेक्ट हुए थे और उनका अब ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो उनका भी सिलेक्शन रुक गया है। ठीक है, तो अब वो वही बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, क्लियर वो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं यहाँ पे पेट को एग्ज़ाम देखिए, आप जो आपका पेट आ गया है, पेट को लेकर काफ़ी बच्चे डरने लगे हैं कि अगर पेट में हमारे नंबर अच्छे नहीं आए तो हमारा आगे फॉर्म नहीं पढ़ पाएगा। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है बिना पेट का एग्ज़ाम है, जिसमें बिना पेट का एग्ज़ाम है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे इस एग्ज़ाम को बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करके आपके एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उन्होंने टारगेट बना लिया कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक ही करूँगा। तो टारगेट की बात करूँ तो आप 125 प्लस टारगेट बना के चलिए कि 125 प्लस जब आपके मॉक टेस्ट में यहाँ पे नंबर आएंगे, ठीक है, तब वहाँ पे आप 120-125 के अप्रॉक्स में रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मॉक टेस्ट में आप अपना मॉक टेस्ट में अगर आप टारगेट करते हैं कि 125 प्लस नंबर हमारे आएंगे तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पांस दे पाएंगे, क्लियर। ये नहीं 125 से प्लस अगर आप नीचे टारगेट करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अभी से टारगेट अगर मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हैं कहीं से तो आपको मैं बता दूं 125 प्लस आप टारगेट करिए। और मॉक टेस्ट की बात की रही तो मैं आपके लिए कल से एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 50-50 श्रृंखला। इसमें यह है कि 50 आपका GK GS, 50 हिंदी, 50-50 रीजनिंग के जो आपके 150 क्वेश्चन आ रहे हैं उनके तीनों की अलग अलग प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट्स आकर रहे थे कि सर एक साथ में अगर प्रैक्टिस सेट करा दो तो वो लगभग 1.5 घंटे का ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, 1.5 घंटे के ऊपर चला जा तो बच्चे थक जाते हैं, देखते देखते परेशान हो जाते हैं कि इतना बहुत ज़्यादा। तो मैं ये करूँगा कि आपके 30 मिनट्स में आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाए, 30 मिनट्स के आपके 3 सेट बना दिए जाएंगे और उसमें से आप अपना टाइम निकाल के टेस्ट दे सकते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर हमारे अचीव हो रहे हैं। अगर आप उसमें अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, जो मैं आपको 125 तीनों मिला के 125 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बेहतर है और कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के काबिल बन रहे हैं, क्लियर।
तो इसको आप दिमाग में बसा लेना है कि 125 प्लस टारगेट करना है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन दूं जो आपको 2016 में आपके एग्जाम में पूछे गए, 2018 में एग्जाम में जो पूछे गए, उसी पेपर के आधार पर ही क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज दिए जाएंगे, ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप लोग जिन्हों जितने भी अभ्यर्थी अभी तक इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना अवश्य ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात कर लूँ एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो एग्ज़ाम डेट आपको बता दें, यहाँ पे आप पेट अब ये आयोग के पास जो है कोई एग्ज़ाम नहीं बचा हुआ है, ओल्ड एग्ज़ाम में आपका ये ग्राम विकास अधिकारी ही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम ये दिसंबर कब, दिसंबर सेकंड वीक से लेकर, मैं बता रहा हूँ दिसंबर सेकंड वीक से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक में अवश्य हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए बात, जनवरी फर्स्ट वीक तक अवश्य, दिसंबर सेकंड वीक से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक, यानी कि वो 15 और कितने हो गए, ठीक है 15 दिन हो गए और 7 दिन वो हो गए, ठीक है 15-7 कितना हो गया 22, 22 दिन के अंदर आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा कहीं ना कहीं। आप अगर इस को अगर आप फरवरी टारगेट कर रहे हैं या मार्च टारगेट कर रहे हैं तो गलत टारगेट कर रहे हैं, इन्हीं में दिसंबर लास्ट से लेकर, दिसंबर सेकंड वीक से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको इसी मंथ को टारगेट करते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई मन में अवश्य कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये स्पेशल हमारे चैनल पर स्पेशल अब वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारी कोचिंग के सिलेक्टेड बच्चे हैं, जो आप वीडियो एग्ज़ाम 2018 दिया था और उन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स अचीव किए थे, मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ के अकॉर्डिंग कि उन्होंने के कैसे मैं उनका इंटरव्यू लूंगा तो आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कि कैसे उन्होंने मेहनत की थी, कैसे तैयारी की थी, किस बुक से पढ़ा था, पूरी स्ट्रेटजी के बारे में आपको वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मॉक टेस्ट को अवश्य करिए, जो मैं कराऊंगा कल से उसको अवश्य करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन वही लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।